अंजू शुक्ला, बीबी उपाध्याय, प्राथमिक विद्यालय दहीसर से कक्षा पहली की हिंदी मीडियम की शिक्षिका बोल रही हूँ। आज मैं बच्चों को हरियाली पाठ से बड़ी की मात्रा की पहचान व वर्णों में बड़ी की मात्रा लगा करके उसका उच्चारण करना सिखाऊंगी। बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का सुविचार है बच्चों, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा का मतलब जानते हो बच्चों? हमारा काम ही हमारी पूजा कहलाती है। आजकल आप लोगों का काम क्या है? पढ़ना, लिखना, पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बनना। और आज की तारीख है बच्चों 10 तारीख है, 8वां महीना है और सन 2020 चल रहा है। आज का दिन है बच्चों सोमवार। सोमवार है ना बच्चों? और आज हम हिंदी विषय पढ़ाएंगे। कौन सा विषय पढ़ाएंगे? हिंदी। हिंदी में प्रकरण पाठ में हरियाली पाठ से बड़ी की मात्रा की पहचान करवाएंगे व वर्ण में बड़ी की मात्रा लगा करके उसका उच्चारण करना भी आप लोगों को सिखाएंगे। ये देखो बच्चों, आपको बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है ना बच्चों? ये है बड़ी की मात्रा। और ये ब्रैकेट में जो लिखा है कोष्टक में, आप देख रहे हो एक खड़ी पाई है और उसके ऊपर आधा गोला है। और जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, उसमें आप कोई सा भी वर्ण लिखोगे या कोई सा भी अक्षर लिखोगे और फिर उस अक्षर को बड़ी की मात्रा से जोड़कर उसका उच्चारण करोगे। ये देखो बच्चों, ये है माँ से मछली। माँ से क्या है बच्चों? मछली। मछली कहाँ रहती है बच्चों? पानी में। पानी में से अगर हम मछली निकाल देंगे तो क्या होगा? वो मर जाएगी। आप एक छोटी सी कविता सुने हो ना बच्चों, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी और हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। तो ये क्या है? माँ से मछली। माँ से मछली। अब ये देखो बच्चों, माँ देख रहे हो ना, माँ अक्षर। इस माँ अक्षर पे जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो वो उसका उच्चारण होगा मी। माँ पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो हम उसका उच्चारण करेंगे मी। जैसे मछली होता है ना, तो ला पे बड़ी की मात्रा लग गई तो ली जुड़ा ना बच्चों, तो वो हो गया मछली। इसी तरह माँ पे बड़ी की मात्रा लग गई तो मी। अब ये देखो बच्चों, गा से गमला। गा से क्या दिखाई दे रहा है? गमला दिखाई दे रहा है। गमले में बहुत सारे पौधे होते हैं और हम लोग बहुत सारे पौधे लगाते हैं ना गमलों में, फिर पौधों के बाद उसमें फूल निकलते हैं, पत्ती निकलती है। बहुत सारे गमलों में पौधे लगाए जाते हैं, तुलसी के पौधे, गुलाब के पौधे, गेंदा के पौधे, ऐसे बड़े। जब वो पौधे बड़े बन जाते हैं तो वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमारा पर्यावरण अच्छा बनता है। पर्यावरण में पौधों से पर्यावरण में ऑक्सीजन मिलती है। अब ये देखो बच्चों, गा है, गा पे हमने बड़ी की मात्रा जोड़ी। तो गा में जब बड़ी की मात्रा जोड़ी तो वो हो गया गी। क्या हो गया? गी।
गा पे जब हम बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो उसका उच्चारण करेंगे तो वो कहलाएगा गी। अब ये देखो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, भासे भजिया, भासे भजिया दिखाई दिया ना बच्चों। अब भजिया को देखते ही तो आप लोग के मुंह में पानी आ गया होगा। भजिया बहुत अच्छी लगती है ना, कई तरह की चीजों से भजिया बनती है। आप लोग खाते हो ना, पालक की भजिया, बैगन की भजिया और हरी भाजियों से बहुत सारी भजिया बनती है। और आजकल तो बारिश का सीजन है तो इसमें भजिया और भी अच्छी लगती है बच्चों। आपको भी भजिया अच्छी लगती है ना। हाँ तो भासे भजिया, भासे क्या होता है बच्चों, भजिया। अब ये देखो बच्चों, ये देखो भा पे हमने अब बड़ी की मात्रा जोड़ी तो वो उसका उच्चारण करेंगे भी। भा पे जब हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो उसका उच्चारण कहलाएगा भी। भा पे बड़ी की मात्रा जोड़ दी तो उसका उच्चारण करेंगे भी। अब आगे देखो बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, न से नल। सबके घर में नल है, सबके घर में नल है ना बच्चों। उस नल में क्या आता है, पानी। पानी आता है सुबह शाम, सबके घर में पानी आता है। पानी जीवन है। और देख रहे हो ना इस नल में जो चित्र बना है बच्चों, उसमें पानी गिर रहा है, लेकिन आपको पानी की बर्बादी नहीं करना है क्योंकि पानी हमारा ही जीवन है। पानी अगर नहीं मिलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पानी सबको बचाना है। तो ये नल में जो पानी गिर रहा है ना, आपको गिराना नहीं है, जहां आप देखो पानी गिर रहा है तो उस नल को बंद कर देना है। तो ना से क्या होता है बच्चों, ना से नल। अब आगे देखो बच्चों, हमने इस ना अक्षर पे बड़ी की मात्रा जोड़ी तो हो गया नी। क्या हो गया बच्चों, नी। ना में बड़ी की मात्रा जुड़ गई तो वो हो गया नी। नी क्या उच्चारण करेंगे, ना पे बड़ी की मात्रा नी। अब ये देखो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको, ज से जग, जग दिखाई दे रहा है ना। हाँ ज से जग, जग सबके घर में लगभग जग होता है। जग में हम पानी रखते हैं, जग में हम शरबत रखते हैं, जग में लच्छी लस्सी रखते हैं, बहुत सारी जो लिक्विड चीजें हैं वो हम जग में रखते हैं। जग में रखने के बाद उसको ग्लास में डालते हैं, तो जग हमको सामान रखने के काम आता है। आगे देखो, जग में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, चाय है या लस्सी है, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, चाय या लस्सी है। जा से जग, जा से जग, आप कई बार बोलोगे जा से जग, जा से जग, जग रखना है। अब आगे देखो बच्चों, ये जा जा पे हमने बड़ी की मात्रा जोड़ दी, जा पे बड़ी की मात्रा जुड़ गई तो उसका उच्चार करेंगे जी। जा पे बड़ी की मात्रा जी, जी। जा पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो कैसे उच्चार करेंगे, जी, जी। लंबा खींचेंगे, जा पे बड़ी की मात्रा जी, जी। हाँ अब आप आगे देखो बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, च से चटाई, च से चटाई। सबके घर में चटाई होती है ना बच्चों, लगभग चटाई पे हम लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं। चटाई तो है ना आप लोगों के घर में, है ना बच्चों चटाई। हाँ बच्चों, फिर एक काम और करना है, लेकिन जब आप चटाई यूज करते हो, अपने प्रयोग में लाते हो ना, तो फिर उसको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देना है, उसको बाद में फोल्ड करके मोड़ करके उसकी जगह पे रख देना है, ऐसे फैलाए नहीं रखना है जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। तो च से चटाई, च से क्या होता है बच्चों, चटाई। अब आगे देखो बच्चों, ये चापे हमने बड़ी की मात्रा जोड़ दी
जब जा पे हमने बड़ी की मात्रा जोड़ दी तो उसका उच्चारण करेंगे ची। क्या उच्चारण करेंगे? ची। चा पे बड़ी की मात्रा ची। लंबा खींचो बच्चों, चा पे बड़ी की मात्रा ची। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, अब ये देखो बच्चों क्या दिखाई दे रहा आपको। त से तरबूज। तरबूज बहुत अच्छा लगता है ना खाने में। त से हाँ मैडम, तरबूज गोल गोल होता है, कितना बड़ा होता है, अंदर से कैसा होता है वो लाल रंग का। देखो इसमें चित्र में ऊपर हरा दिखाई दे रहा है और अंदर वो कैसा है, लाल। वो खाने में कैसा लगता है, मीठा लगता है ना, है। और तरबूज के अंदर ठंडक मिलती है खाने से। तरबूज जो फल है उसको खाने से हमारे शरीर में ठंडक पहुंचती है, इसलिए ये गर्मी के सीजन में ज्यादा मिलता है और लोग इसको बड़े प्यार से खाते हैं। तुमको भी अच्छा लगता है ना बच्चों। तो ता से तरबूज। ता से क्या है? तरबूज। अब आगे देखो बच्चों, ता पे हमने बड़ी की मात्रा जोड़ दी। ता पे जब बड़ी की मात्रा जोड़ दी तो वो हो गया ती। ता पे बड़ी की मात्रा ती। कैसे उच्चारण करेंगे? ता पे बड़ी की मात्रा ती। अब ये देखो बच्चों, ये क्या है, किसका चित्र दिखाई दे रहा है? लहसुन। किसका चित्र दिखाई दे रहा है? लहसुन। ला से लहसुन। ला से लहसुन। लहसुन किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है और हल्का सा गुलाबी भी होता है कोई कोई, लेकिन वो सफेद रंग का होता है। लहसुन खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। और बच्चों ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ला पे हमने बड़ी की मात्रा जोड़ दी तो इसका उच्चारण करेंगे ला पे बड़ी की मात्रा ली। ला पे जब हम बड़ी की मात्रा जोड़ देंगे तो उसका उच्चारण होगा ली। ला पे बड़ी की मात्रा जोड़ी तो ली। ला पे बड़ी की मात्रा जोड़ी तो ली। लंबा खींचो बच्चों, ला पे बड़ी की मात्रा ली। अब आगे देखो बच्चों, आगे देखो बच्चों, ये माँ है ना, माँ पे। हाँ बच्चों, तुमको सुनाई दे रहा है? हाँ मैडम सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो ये देखो, हाँ ये देखो, माँ पे बड़ी की मात्रा जुड़ी है ना। जी मैडम। तो माँ पे बड़ी की मात्रा हमने जोड़ी और ता लिख दिया, ता जोड़ दिया तो नया अक्षर हो गया मी। उसमें ता अक्षर हो गया तो मीत। क्या हो गया? मीत। क्या पढ़ेंगे उसपे? माँ पे बड़ी की मात्रा और ता जोड़ा तो मीत। अब आगे देखो, ज अक्षर दिखाई दे रहा है ना, जा पे हमने बड़ी की मात्रा जोड़ी और भ जोड़ दिया तो क्या हो गया? जीभ। क्या हो गया? जीभ। 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 क्या? जा पे लंबा खींचो, जीभ। जीभ तो सबके पास है ना बच्चों, मुंह के अंदर जीभ होती है और जीभ को रोज साफ करना चाहिए। ब्रश करते हो ना तो उसके बाद अपनी जीभ भी डेली साफ करना चाहिए। अब आगे देखो बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? भ। भ अक्षर दिखाई दे रहा है। भ पे हमने बड़ी की मात्रा जोड़ी तो वो हो गया भी। क्या हो गया? भी। और फिर हमने उसमें ग अक्षर जोड़ दिया तो उसको पढ़ेंगे भीग। क्या हो गया? भीग। अब भीगते हैं ना, पानी में सब लोग भीग जाते हो आजकल, तो भीगना नहीं चाहिए। भीगोगे तो फिर आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो भा से, भा में हमने बड़ी की मात्रा जोड़ी और ग अक्षर जोड़ दिया तो वो शब्द बन गया भीग। अब आगे देखो बच्चों, ग अक्षर दिखाई दे रहा है। ग पे हमने क्या जोड़ा है? बड़ी की मात्रा
और उसने जब बड़ी की मात्रा जोड़ दी है तो वो हो गया गी, क्या हो गया गी, और फिर हमने उसमें ता अक्षर जोड़ दिया तो वो हो गया गीत, क्या हो गया गीत। अब देखो बच्चों, गीत तो हम लोग गाते हैं, छोटे छोटे गीत भी हम लोग बोलते हैं। जैसे आप अपने शुरू में आपने अपनी किताब पढ़ी होगी ना, उसमें उसमें भी गीत है छोटे छोटे, टन 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 घंटी टनकारे, है ना, आपने सुना है ना ये। हाँ मैडम सुना है गीत। अब आगे देखो बच्चों, ता अक्षर दिखाई दे रहा है, ता पे हमने मात्रा जोड़ी है बड़ी, ता पे कौन सी मात्रा जोड़ी है बड़ी, बड़ी बड़ी की मात्रा जोड़ दी तो वो हो जाएगा, उसका उच्चारण करेंगे ती, क्या उच्चारण करेंगे ती, ती। तो फिर हम उसमें ना अक्षर जोड़ेंगे तो वो शब्द बन जाएगा तीन, क्या बन जाएगा तीन, बोलो बच्चों क्या बन जाएगा तीन। अब आगे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, च अक्षर दिखाई दे रहा है, चा में हमने क्या जोड़ा है बड़ी की मात्रा तो वो हो गया ची, क्या हो गया ची, ची। और फिर उसमें हमने ल अक्षर जोड़ा है तो फिर वो हो गया दाया, वो शब्द बन जाएगा चील, क्या हो जाएगा चील। चील देखा आपने, आकाश में उड़ती है, बहुत ऊंचाई पे उड़ती है। हाँ मैडम, बड़े बड़े पंख रहते हैं उसके और बहुत ऊंचाई पे उड़ती है। तो ये चाप से कौन सा शब्द बन गया, जब हमने बड़ी की मात्रा जोड़ दी और ल अक्षर जोड़ा तो चील, उसका उच्चारण कहेंगे चील। अब आगे देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, हमने जोड़ियां मिलाओ लिखा है, जोड़ी से मिलाना है आपको। इसमें म अक्षर है, ग अक्षर है, न अक्षर है, त अक्षर है और ल अक्षर है, देख रहे हो ना बच्चों। और नीचे कुछ चित्र दिए हैं, वो चित्र आपके हैं, तो आपको इन जिस अक्षर से जो चित्र बनता है वो आपको चित्र जोड़ना है, ठीक है बच्चों। देख रहे हो ना, माँ से हम क्या जोड़ेंगे, पढ़े थे माँ से मछली, पढ़े थे मछली पढ़े थे, तो देखो हम माँ से मछली जोड़ रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ देखो बच्चों, माँ से हम जोड़ रहे हैं, माँ से मछली, माँ से क्या पढ़े थे हम लोग, मछली, मछली। तो हमने माँ से मछली जोड़ा। अब देखो ग अक्षर पे हम लोग चलेंगे, तो गा से क्या पढ़े थे हम लोग, गा से गमला पढ़े, गमला। हाँ तो गा से गमला पढ़े तो अब हमने गा से गमला जोड़ दिया। अब आगे देखो बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है, ना से नल दिखाए, बताए थे ना मैं आपको ना से नल। हाँ हाँ मैडम, तो ये ना से हमने ना से नल जोड़ा, ना से हमने नल को जोड़ा। अब आगे देखो, ता से क्या बताए थे हम, ता से तरबूज, तरबूज हरा हरा, तरबूज गोल गोल तरबूज, तो ता से हम क्या जोड़ेंगे तरबूज को। फिर आगे देखो बच्चों, क्या बच गया, ला से लहसुन, लहसुन लहसुन बच गया ना, तो अब हम आगे ला से लहसुन को जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। आपके समझ में आया, आपसे ये करने के लिए जोड़ने के लिए तो आप जोड़ सकते हो ना बच्चों। हाँ मैडम, हाँ मैडम, जोड़ सकते हैं बच्चों, वेरी गुड। अब ये देखो बच्चों, हम तुमको घर काम दिए हैं, देख रहे हो ना, ये घर काम है, तो इस घर काम में दिया है हमने कि दिए गए बड़ों में बड़ी की, कौन सी बड़ी की मात्रा लगाओ व पढ़ो। अब आप इसमें जैसे मा अक्षर में हमने सिखाया था ना, माँ में बड़ी की मात्रा लगा दी थी तो वो बन गया था मी, उच्चारण तो उसका मी हुआ था, लेकिन आपको उस अक्षर पे बड़ी की मात्रा लगाना है। और बड़ी की मात्रा हमने बताई थी ना कि एक पाई होती है और ऊपर आधा गोला होता है,
तो आप उसमें इस अक्षर में बड़ी की माता लगा के पढ़ेंगे मी, और ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और फिर हमको दिखाएंगे। आगे इसी तरह ग पे, ग अक्षर पे भी आप बड़ी की माता लगाएंगे, देख रहे हैं ना बच्चों, ऐसे बड़ी की माता लगाएंगे। एक मैंने करके आपको दिखा दिया है, आप और भी जो अक्षर है ना ग पे बड़ी की माता लगाएंगे इसी तरह, और फिर उसका उच्चारण करेंगे गी, फिर भा पे बड़ी की माता लगाएंगे भा अक्षर पे, और उसका उच्चारण करेंगे क्या करेंगे भी, भा पे बड़ी की माता लग जाएगी तो उसका उच्चारण करेंगे भी। इसके बाद आप ना अक्षर देख रहे हो तो जैसे हमने पहले अक्षर पे बड़ी की माता लगाई है ना, इसी तरह आपको ना पे भी बड़ी की माता लगाना है और फिर उसका उच्चारण करना है नी। आप ऐसे उच्चारण करोगे ना पे बड़ी की मात्रा नी, ना पे बड़ी की मात्रा नी। हाँ बोलो जरा बच्चों, ना पे बड़ी की मात्रा नी, शाबाश। फिर ये देखो बच्चों ज अक्षर है, जा पे भी हम देख रहे हैं ना, जा पे भी हमको क्या लगाना है बड़ी की मात्रा, तो जा हम जा पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे जैसे हमने पहले अक्षर पे लगाई है, इसी तरह आपको ज अक्षर पे भी लगाना है, माँ अक्षर पे लगाई है ना हमने, इसी तरह आपको ज अक्षर पे भी लगा के उसका उच्चारण करना है जी, जा पे बड़ी की मात्रा जी, जा पे जब बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो पहले हमने पढ़ाया ना जी, तो आपको भी मात्रा लगाना है और उसका उच्चारण जी करके बताना है। फिर देखो च अक्षर देख रहे हो ना बच्चों, जैसे पहले अक्षर पे माँ पे हमने बड़ी की माता लगाई तो मी हुआ ना, इसी तरह आप च अक्षर पे बड़ी की माता लगाओगे, तो जब च अक्षर पे बड़ी की माता लगाओगे तो वो ची बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों ची, जैसे माँ पे बड़ी की माता लगाए थे तो मी हुआ था ना मी, इसी तरह चा पे बड़ी की माता लगाओगे तो वो अक्षर हो जाएगा ची। बोलो बच्चों जरा सा जोर जोर से, चा पे बड़ी की मात्रा ची, अब्बास। इसी तरह ये ता अक्षर देख रहे हो ना बच्चों, ता पे जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो पहले हमने माँ पे बड़ी की मात्रा लगाई है ना, तो कैसे बोले थे मी, कैसे बोले थे माँ पे बड़ी की मात्रा मी, मी। हम ता अक्षर पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो जब हम ता पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो वो कहलाएगा, उसका उच्चारण होगा ती, ता पे बड़ी की मात्रा ती। अब आगे देखो बच्चों, ल अक्षर है, ल है तो जैसे हमने अभी बताया आपको कि माँ पे बड़ी की मात्रा लगाए थे तो वो हुआ था नी, इसी तरह ल अक्षर पे भी आपको बड़ी की मात्रा लगाना है और उसका उच्चारण करना है ली, ला पे बड़ी की मात्रा ली। अब एक बार आप लोग मेरे साथ बोलो सब बच्चों, माँ पे बड़ी की मात्रा मी, माँ पे बड़ी की मात्रा मी, गा पे बड़ी की मात्रा गी, गा पे बड़ी की मात्रा गी, भा पे बड़ी की मात्रा भी, भा पे बड़ी की मात्रा भी, ना पे बड़ी की मात्रा नी, ना पे बड़ी की मात्रा नी, जा पे बड़ी की मात्रा जी, जा पे बड़ी की मात्रा जी, चा पे बड़ी की मात्रा ची, चा पे बड़ी की मात्रा ची, और ता पे बड़ी की मात्रा ती, ता पे बड़ी की मात्रा ती, ना पे बड़ी की मात्रा ली। ऐसे आप सब अक्षर जितने आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, इन सारे पे आप बड़ी की मात्रा लिखोगे और उसका उच्चारण करोगे और फिर आप इसको हमको लिख करके भेजोगे, ठीक है ना बच्चों, दिखाओगे लिख करके। एक बार फिर से पढ़ लो, माँ पे बड़ी की मात्रा ली, गा पे बड़ी की मात्रा ली, भा पे बड़ी की मात्रा भी, ना पे बड़ी की मात्रा नी, जा पे बड़ी की मात्रा जी,
चा पे बड़ी की मात्रा ची, ता पे बड़ी की मात्रा ती और ला पे बड़ी की मात्रा ली। हाँ देख लिया ना बच्चों आपने, इस तरह हमको सारे बड़ों पे बड़ी की मात्रा लगाना है। आपको समझ में आया बच्चों? एक बार और रिवीजन करें क्या कि आपके समझ में आ गया बच्चों? हाँ मैडम समझ में आ गया। हाँ एक बार और रिवीजन करें क्या? हाँ मैडम बताइए मैम। हाँ एक ना ये देखो, हमने लगा माँ अक्षर बताया था ना आपको, माँ पे क्या बताया था? माँ से मछली, माँ से मछली हम बताए थे। मछली पानी में रहती है, पानी उसका जीवन है। तब आगे हम इस पे माँ अक्षर पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे। तो माँ पे बड़ी की मात्रा लगाए, तो माँ पे बड़ी की मात्रा लगा दिए थे, तो क्या हो गया था? नी, क्या हो गया था? मी। अब ये गा अक्षर दिख रहा है, गा से गमला है, गमले में पौधा लगा है, है? अब आगे देखो, इसमें हमने गा पे बड़ी की मात्रा लगा दी थी तो बन गया था गी। क्या वो अक्षर बन गया था? गी, उसमें बड़ी की मात्रा जब जोड़ दी थी। अब आगे देखो बच्चों, ये भासे भजिया बताए थे, भासे भजिया बताए थे, फिर उसमें हमने बड़ी की मात्रा जोड़ी थी। तो भाक्षर पे जब हमने बड़ी की मात्रा जोड़ी थी तो वो हो गया था भी। भा में बड़ी की मात्रा जोड़े थे तो क्या हुआ था? भी। अब ये नल दिखाई दे रहा है, ना से नल दिखाया था ना हमने बच्चों, फिर से आप बोलो ना से नल, और फिर हम इसमें बड़ी की मात्रा जोड़े, तो ना में बड़ी की मात्रा जोड़े तो वो हो गया नी। ना में बड़ी की मात्रा जोड़ी तो नी। अब हमने आपको ये जग दिखाया था पहले, जहाँ से जग फिर से देख रहे हो आप, तो जहाँ से जग बोले थे। अब इस जा अक्षर पे हमने बड़ी की मात्रा बताई थी, लगाई थी, तो लगाएंगे तो फिर से उसका उच्चारण कहेंगे। जा में जब बड़ी की मात्रा लग गई तो वो हो गया जी। अब ये देखो बच्चों, चा से चटाई बताए थे, क्या बताए थे? चा से चटाई। अब इसमें जब हम बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा ची। चा धन बड़ी की मात्रा और उसका उच्चारण होगा ची। अब देखो, ता से तरबूज बताए थे ना बच्चों, ता से तरबूज। अब इस ताक्षर पे जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण होगा ती। ता पे बड़ी की मात्रा ती। अब ये ला से क्या था? लहसुन। ला से लहसुन। अब इस ला पे जब हम बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा, उसका उच्चारण होगा ली। ला पे बड़ी की मात्रा ली। अब हमने ये भी आपको बताया, पहले बता दिया है, सिखा दिया है, माँ पे बड़ी की मात्रा और उसमें ता अक्षर जोड़ा तो हो गया मीत। क्या नया शब्द क्या बना? मीत। अब आगे देखो, जा पे हमने बड़ी की मात्रा जोड़ी थी तो पढ़े थे जी, और उसमें भाग च जोड़ा था तो पढ़े थे उसको जीभ। क्या अक्षर बना, क्या शब्द बना था? जीभ। अब आगे देखो, ये भा है, भा में हमने बड़ी की मात्रा जोड़ी थी तो भी बन गया था, और उसमें जब ग अक्षर जोड़ दिया था तो भीग शब्द बन गया था, भीग। ग है, ग अक्षर देख रहे हो, ये पहले भी हम बताए तुमको, तो गा पे जब हमने बड़ी की मात्रा जोड़ी तो वो गी हो गया, और जब उसमें ता अक्षर जोड़ा तो शब्द बना गीत। कौन सा शब्द बना? गीत। ता देख रहे हो ना बच्चों, ता हमने बताया था, ता पे बड़ी की मात्रा लगाई थी तो कैसे उच्चारण किया था? ती। जब ता में ना अक्षर जोड़ दिया तो वो बन गया तीन। क्या बन गया बच्चों? तीन। अब आगे देखो, च अक्षर है, चा पे हमने बड़ी की मात्रा बताए थे तुमको, कैसा उच्चारण करे थे हमने? ची, और उसमें ल अक्षर जोड़ दिया तो शब्द बन गया था चील। इस तरह आप बड़ी की मात्रा लगाओगे और जोड़ोगे। जोड़ियां तो हमने आपको बताई दी है,
माँ से आपको मछली जोड़ना है, गा से आपको गमला जोड़ना है, ना से आपको नल जोड़ना है, ता से आपको तरबूजा जोड़ना है, और ला से आपको लहसुन जोड़ना है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये आपको चित्र और अक्षरों को जोड़ी लगाना है। फिर आप, ये हमने आपको घर काम दिया है, इस तरह आप ये घर काम हमको करके बताओगे। धन्यवाद सर।